कुकिंग विद मिंकी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन आलू की सब्ज़ी। उसकी सामग्री भी नहीं चाहिए। बैंगन है एक से दो बार धुलोए, देखो आपको भी इसी प्रकार से काटना है। आलू है एक मीडियम, आपको आलू को भी बारीक करके काटना है। नमक एक चम्मच स्वाद अनुसार, खड़े मसाले हैं जीरा तेजपात, एक लाल मिर्च का टुकड़ा टुटोया, छोटी चम्मच हींग है, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच सब्जी मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, तीन से चार लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक कुटोया, तीन से चार हरी मिर्च बारीक कटी हुई, मीडियम प्याज एक मोटा कटोया बारीक। गैस पे कढ़ाई रख दी है मैंने, गैस को ऑन करिए, कढ़ाई को गर्म होने दीजिए। देखिए कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम ऑयल डालते हैं। पहले हम दो चम्मच ऑयल डालते हैं, ऑयल को गर्म होने दीजिए। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है, गैस को मीडियम रखिए, बैंगन ऐड करते हैं, आलू, एक से दो मिनट अच्छे से फ्राई करना है दोनों चीज़ों को। देखिए एक से दो मिनट अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया, इसका पानी जितना था सब जल चुका है, इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने सब्जी फ्राई जो करी थी वो बाउल में निकाल ली है। अब मैं इस कढ़ाई में ऑयल डालती हूँ, तीन से चार चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है, इसको गर्म होने दीजिए। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया, हींग ऐड करते हैं, खड़े मसाले थे वो ऐड करते हैं, लहसुन, अदरक, देखिए लहसुन अदरक हमारा लाल हो चुका है, प्याज ऐड करते हैं, हरी मिर्च, प्याज हरी मिर्च को अच्छे से पकाइए एक से दो मिनट। देखिए हमारी प्याज अच्छे से लाल हो चुकी है, गैस को मीडियम रखिए, मसाले ऐड करते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, सब्जी मसाला, आधी कटोरी में पानी ऐड करते हैं ताकि मसाले हमारे जले नहीं। मसाले को अच्छे से पकाना है एक से दो मिनट धीमी आंच पर। देख लेते हैं मसाले, देखिए मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं, मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है जो हमने सब्जी फ्राई करके रखी थी, उसे ऐड करते हैं। मसाले को अच्छे से सब्जी के साथ मिला लीजिए। देखिए मैंने मसाले के सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है, कितना प्यारा कलर आ चुका है सब्जी में। तो हम पानी ऐड करते हैं, पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, एक ही गिलास पानी ऐड करना है। आप इसे मीडियम आंच पर ही पकाएं, 20 से 30 मिनट तक पकाना है आपको ताकि अच्छे से सब्जी पक जाए।
सब्जी को देख लेते हैं, 20 से 30 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छे से पक चुकी है, आलू भी पक चुके हैं, कितना प्यारा कलर आ चुका है इसमें। गैस को बंद कर दीजिए आप, इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है आलू बैंगन की। आप इन्हें चावल की रोटी या गरम गरम फुलकों के साथ सर्व करें। कमेंट और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए।